हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 120 क्वेश्चन जो कि VLW के एग्जाम में पूछे गए थे। जिन बच्चों का फ्यूचर में एम है कि वो VLW का एग्जाम क्रैक करें, तो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है उनको कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो को देखने की, बट जो देखेगा, जिसको आगे फ्यूचर में इंटरेस्ट होगा VLW बनने का, तो वो इस वीडियो को जरूर देखे। और हालांकि VLW के नहीं बल्कि और बहुत सारे JKSSB जो एग्जाम्स है उनका ये पैटर्न जो है वो दिया हुआ है। तो मैक्सिमम जो एग्जाम होते हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, उनका जो पैटर्न रहता है उसमें तो इंग्लिश हर एक आप एग्जाम में देखते होंगे, कंप्यूटर भी आप हर एग्जाम में देखते होंगे, तो ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सेम रहता है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है इनमें से करेक्ट सेंटेंस क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है मम्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन, मम्स आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन, मम्स इज कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन, मम्स आर कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आंसर की जो ऊपर आंसर लिखा हुआ है हम वही डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए पार्ट, मम्स जो होते हैं वो कॉमन होता है किन में, बच्चों में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है द सिरजीत आस्क्ड हिम टू कम टू द पुलिस स्टेशन, सिरजीत ने क्या कहा था, क्या कहा उसको कि आप आइएगा पुलिस स्टेशन के अंदर आइएगा। विच वन इज करेक्ट आंसर, बिटवीन 4 PM टू 5 PM, बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, बिटवीन 4 PM और 5 PM, या बिटवीन 4 PM टिल PM। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आएगा बिटवीन कौन कौन से, बिटवीन 4 बजे 5 बजे के बीच में आपको आना है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पूछा गया है इस एग्जाम के अंदर वो है विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, ही हु स्पीक्स द ट्रूथ एवरीबॉडी लव्स हिम, एवरीबॉडी लव्स हिम, हु स्पीक्स द ट्रूथ। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो आप बाकी भी देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आपको पजल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर पूछा गया है, ए ग्रेट मैन सेड, क्या कहा ए ग्रेट मैन ने, इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट व्हाट एवर यू डू यू हैव टू कीप डैश डैश इन दिस कोट एम्फेसिस इज ऑन। तो किस पे यहाँ पे फोकस किया गया है, तो क्या आपको इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मूविंग, क्या आएगा मूविंग आएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, आपको बताना है कौन सी है, जो सेंटेंस है वो क्या है, डिड दे नॉट नो हु वाज ही एंड वेयर डिड ही कम फ्रॉम विल बी। तो आपको बताना है इसमें क्या इसका आंसर आएगा। तो यहां पे आंसर आएगा डिड दे नॉट नो हु ही वाज एंड वेयर ही केम फ्रॉम, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा गया है, चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या है, द प्रेसिडेंट गिव डैश डैश टू द बिल, क्या देता है प्रेसिडेंट, ये एसेंट देता है, ये वाला एसेंट देता है, या ये एसेंट, या ये एसेंट। तो आप बताइएगा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो प्रेसिडेंट जो देता है वो एसेंट, ASENT इसका आंसर आएगा। इंग्लिश का ये क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, The wise man advised us not to hate the poor. Replace करना है word hate को, और आप जानते हैं यहां पर अगर हम replace करेंगे sentence में तो कौन सा expression आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो question number 7 है, ये भी English से लिया गया ये question, तो इसका answer आएगा look down upon, क्या आएगा look down upon इसका answer आएगा। Question number 8 है fill in the blanks in the sentence he studied hard lest he dash dash fail, तो यहां पे आएगा शुड, क्या आएगा शुड आएगा, ही स्टडीड हार्ड लिस्ट ही शुड फेल विद इन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग, जो प्रीपोजिशन हमने इस्तेमाल किया है उसको आपको देखते हुए आपको देखना है सब कुछ क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, शुड इसका जो है वो आंसर है। आपने पढ़ा होगा जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कैन कुड विल वुड, ठीक है ना, शेल शुड, तो वहां से आपको ये समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट यू टोल्ड इज ग्रीक टू मी, इन दिस सेंटेंस द वर्ड ग्रीक मींस, तो इस ग्रीक मींस वर्ड का क्या मतलब है, तो ये अननोन है, ठीक है ना।
मनोहर इज गुड क्रिकेट, मनोहर इज गुड डैश डैश क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट में है? एट क्रिकेट, ऑफ क्रिकेट, इन क्रिकेट। मनोहर इज गुड एट क्रिकेट जो है इसका आंसर आएगा। चूज द एंटीनोम्स ऑफ द वर्ड लव, लव का आपको अपोजिट दिखाना है, क्योंकि जो सिनोनिम्स होता है वो होता है सेम, एस इक्वल टू एस होता है, और ए जो होता है ये अपोजिट होता है, ए इक्वल टू ओ होता है, याद रखना। तो इसका लव जो है, लव का आंसर आएगा यहाँ पे हेट, क्या आएगा? हेट इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है शर्मिस्था इज एफरेड डैश डैश स्पाइडर्स, तो जो शर्मिस्था है इज अफ्रेड ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे? ऑफ स्पाइडर, तो यहाँ पे आंसर जो है ऑफ आ गया। ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक, इन दिस सेंटेंस द वर्ड हार्डली का मतलब क्या है? इस वर्ड इस सेंटेंस के अंदर आप देखोगे तो हार्डली का मतलब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला? तो ऑलमोस्ट नॉट, क्या आएगा? ऑलमोस्ट नॉट। ही हार्डली, ये ना हार्डली, ही ऑलमोस्ट नॉट ट्राइड फॉर गुड लक। इन दिस सेंटेंस द वर्ड हार्डली मीन्स विच वन इज करेक्ट आंसर जो है, इसका आंसर जो वही है ऑलमोस्ट नॉट। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, वेयर देयर इज ए वेल देयर इज ए वे, यहाँ पहले बचपन से ही आपको पढ़ते आए हो आ रहे हैं, ठीक है ना? तो इसका आंसर ये है, यस्टरडे रहीम वॉज रहीम एज वेल एज करीम, डैश डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स इन दिस सेंटेंस विद वन ऑफ द फॉलोइंग, हैज बीन वाज हैड बीन वेयर। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर आ रहा है वो है वाज, वाज आएगा, यस्टरडे था, ठीक है ना? फिजू तो है नहीं, तो यस्टरडे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस्टरडे रहीम एज वेल एज करीम, रहीम और करीम क्या किया? प्रेजेंट थे मीटिंग के अंदर, वो प्रेजेंट। द एक्सप्रेशन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब क्या है? तो 60 का अगर हम आंसर की बात करें, इसका आंसर आएगा थिंक इन ए इनोवेटिव मैनर, ठीक है? ओमनिवर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ओमनिवर्स एनिमल्स होते हैं जो हर काइंड की फूड को खाते हैं, क्योंकि कार्निवर्स आप जानते हैं जो जो एनिमल्स को खाते हैं, हर्बीवर्स जो होते हैं प्लांट्स को खाते हैं, ओमनिवर्स जो हैं बहुत को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 क्वेश्चन है, दैट दैट ही वुड ट्रीट मी विद विद दिस काइंड ऑफ मिसबिहेवियर वाज नोन टू मी, दिस सेंटेंस इज, ये सेंटेंस क्या है? तो इसका आंसर आएगा, क्या ये करेक्ट है, पार्शली करेक्ट है, सब्सटेंशली करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है? That he would treat me with this kind of misbehavior was known to me. तो ये जो है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 19 पूछा गया है 28, 8 के बाद 20, अब यहाँ पर इंग्लिश खत्म हो गई है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है 8, 20, 36, 56, उसके बाद क्या आएगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 8 और 12, 12 के 20, 20 और 16 की अगर हम बात करें, इसमें चार का डिफरेंस आता है, ठीक है ना? तो 16 के बाद जब आपका 20 आएगा, चार प्लस और कर देंगे हम तो 36 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 20 के बाद जब आप 24 करोगे तो 24 कितना आएगा? ये बन जाता है 80, तो 80 इसका आंसर आता है। इस तरह से यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21, 8, 4, 27, 9, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ भी आपको क्या बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे हम बात करें, वन का स्क्वेयर वन होता है, टू का क्यूब, टू का क्यूब जो है 8 होता है, टू का स्क्वेयर यहाँ पे 4 होता है, थ्री का क्यूब 27 होता है, फिर थ्री का स्क्वेयर यहाँ पे एक स्क्वेयर ए क्यूब, एक स्क्वेयर ए क्यूब, तो यहाँ पे थ्री का स्क्वेयर है, फिर आगे क्या आएगा? चार का क्यूब, तो चार का क्यूब क्या आएगा इसका आंसर? 64। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। इस तरह से 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं 9 आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर 18 है, फिर 28 है, 27 है, फिर 21 है, 36 है, आप देख सकते हैं 14 है। तो इसमें जो है आपको देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 35, इसका जो है आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? आपको देखना है इसमें किस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको टेबल पढ़ना है 9 का, ठीक है ना? 9 का टेबल पढ़ना है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 क्या आ गया यहाँ पे? 36, ठीक है ना? तो इस तरह से ऊपर अगर आप देखोगे, ऊपर क्या आएगा?
इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ए पी जेड एल टी सी क्यू वाई एन आर ए आर एक्स पी पी। तो ये क्वेश्चन भी आप देखोगे, इसमें आप एक चीज याद रखना, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये ऐसा होता है जैसे यहाँ पे अल्फाबेटिक्स पे आते हैं, ए की वन होता है, जैसे बी टू होता है, सी थ्री होता है, इस तरह से अगर आप लिखोगे उसके बाद आप देखोगे कि कौन सा आगे आ रहा है, तो उस तरह से आप क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 23 भी है ये अल्फाबेटिक्स के ऊपर आता है, 25 भी अल्फाबेटिक्स के ऊपर है, और इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन 25 है फ्लो अगर राइवर है तो स्टैंडर्ड क्या आएगा। फ्लो का मतलब क्या होता है, देखो जो राइवर होता है ना, राइवर का पानी जो है बहुत तेज भागता है, उसका फ्लो जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो अगर पूल की बात करें, पूल का पानी रुका रहता है तो स्टैंडर्ड वाटर होता है। 26 है इंडिया, इंडिया की जो करेंसी है वो रुपए है, तो येन जो है ये किसकी करेंसी है, तो ये है जापान की, किसकी है, जापान की जो है येन करेंसी है। ये करेंसी से ऊपर क्वेश्चन है, करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया। फिर जी फिजिशियन अगर ट्रीटमेंट करता है तो जज का मतलब क्या होता है, जज क्या करता है, तो जज हमेशा जजमेंट देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर ये आएगा। इस तरह से क्वेश्चन है स्टेटमेंट सम, जैसे है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर। इसमें क्या होता है, कुछ सिंगर्स, कुछ एक्टर्स जो है वो क्या है, वो सिंगर है, यहाँ पे लिखे है, तो सिंगर यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये कुछ है यार, अगर हम बात करें ये एक्टर यहाँ पे है, सिंगर, तो ऑल सिंगर्स आर डांसर, और यहां पे क्या है, जो सिंगर है, सिंगर है डांसर। तो यहां पे बताना है हमें सम एक्टर्स आर डांसर, क्या कुछ एक्टर डांसर हैं, नो सिंगर इज एक्टर, सिंगर कोई एक्टर नहीं है। देखो सिंगर एक्टर है, क्यों नहीं है, एक्टर जो है डांसर भी है, इसके साथ टच है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑनली वन, क्योंकि सम एक्टर्स आर डांसर लिखता है नो सिंगर, बट सिंगर जो है वो एक्टर यहाँ पे है इस हिसाब से। इस तरह से क्वेश्चन 29 है स्टेटमेंट ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। कंक्लूजन क्या भी बताना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट। तो अगर हम इस पे देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगर यहाँ पे हारमोनियम है, एक हारमोनियम है, हारमोनियम क्या लिखा हुआ है, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, ये आप लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट, ये है यहाँ पे हारमोनियम है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट। अब इंस्ट्रूमेंट बाहर है ना, टच करो उसको, अब इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये क्या है, ये फ्लूट है, जो भी ये फ्लूट्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जो है ऑनली टू कंक्लूजन फॉलो करता है यहाँ पे, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, जो भी हारमोनियम्स हैं यहाँ पे वो क्या है, फ्लूट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे टिक जो है आ गया कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्लूट्स हैं, अब इंस्ट्रूमेंट जो हारमोनियम भी है तो हारमोनियम जो है वो फ्लूट्स हैं, तो यहाँ पे इस तरह से ये आंसर इसका आ गया, आ जाता है। तो इस तरह से है सम मैंगो आर येलो, सम टैक्सिको आर एग्जाम्पल, इस तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं, ये उसी हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है 31, ये भी आप देख सकते हैं कंक्लूजन के हिसाब से, यहाँ पे आप देखोगे किस तरह से है, 32 भी ऐसी है, 33 भी ऐसी है, आपको जैसे यहाँ पे है 34 है, मीट इज रिलेटेड टू वेजिटेरियन, इज द सेम वे अल्कोहल इज रिलेटेड टू, आपको पता है जो मीट है ना, ये मीट वेजिटेरियन नहीं खाते हैं ये, ठीक है ना, जो मीट होता है ना, वेजिटेरियन लोग सिर्फ सब्जी खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं। अब जो क्या आएगा, जो अल्कोहल नहीं पीते उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं टीटोटेलर। इस तरह से चेफ इज रिलेटेड टू फूड, आपको पता ही है फूड कौन बनाता है, फूड के रिलेटेड कौन तैयार करता है फूड को, वो चेफ होता है। और हम बात करें कोरियोग्राफर, ये क्या करता है, ये डांसर बनाता है, डांस जो सिखाता है तो हम कोरियोग्राफर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डांस। क्वेश्चन नंबर 36 है सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, किसके स्टार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, जैसे 4 है, 8 है, 25 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब आएगा 8 आएगा, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर आएगा 25, फिर 5 का क्यूब क्या आएगा, 125। तो 125 यहाँ पे इसका आंसर आएगा, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब। क्या ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ पे है इफ प्लस मींस, ये
प्लस का अगर यहाँ पे साइन जो है ये बताता है कि तकसीम है, तकसीम का बताता है हमें, ये माइनस जो बताता है ये बोलता है जमा है, जमा क्या जरब बोलता है कि माइनस है, तो आपको बताना है इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो इसका जो आंसर निकल के लास्ट पे आता है वो आता है 105, जब आप करोगे पूरा तो 105 इसका आंसर आएगा। 38 क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, एक बॉय कहता है कि ये बच्ची है, मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट, मेरी आंट की मां की क्या कहता है, मां की बच्ची है। देखो शी इज अ डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट, मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट, हाउ इज द गर्ल, तो ये क्या लगती है, ये कजन लगती है। 39 कहता है वन मॉर्निंग मनीष और अली ये आपस में बात कर रहे थे फेस टू फेस एट द क्रॉसिंग, अगर अली का शेडो जो था वो एग्जैक्टली हो मनीष के लेफ्ट होगा तो कौन सी डायरेक्शन में मनीष जो है उसका फेस था, तो यहां पे इसका जो आंसर आएगा वो आता है नॉर्थ। ठीक है ना, इस तरह से देखिए टाइम इतना है नहीं इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, जहां पे हमें लग रहा है कि थोड़ा बताएं आपको बता रहे हैं। यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, यहाँ पे लिखना है पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है, जिसका मीनिंगफुल जो है बने, वर्ड बने, मीनिंगफुल सेंटेंस बने। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आंसर आता है ए, ए क्यों आता है, पहले राइटिंग होता है, सॉरी पहले एक आइडिया आता है, आइडिया जब आएगा फिर इंसान लिखता है, जब लिखता है तो उसके बाद एक बुक बनती है, जब बुक बनती है तो हम बुक को सेल करते हैं, जब बुक को सेल किया तो फिर बुक वाले सेल करके वो पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं उस बुक को तो उसके बाद उसको फीडबैक देते हैं, तो इसका आंसर इस तरह से आता है। तो इस तरह से आपको इसको क्वेश्चन को टिक करना था। 41 कहता है अरेंज द फॉलोइंग इज इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, क्या है यहाँ पे भी आपको इसी तरह से देखना है कौन सा सही है। पहला यहाँ पे है फाइनलाइजिंग द पार्टिसिपेटिंग टीम, आज आ गई, इसको हमने पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड कप, ठीक है ना, वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया गया और ऑर्गेनाइज करेंगे, ये सी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच होगा, सेमीफाइनल के बाद क्या होगा, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होगा, फाइनल मैच, यहां तक आपका क्लियर हो गया, तो ये इसका आंसर आता है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे है, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स से स्टार्ट होते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है यहाँ पे किधर लेफ्ट होम है ट्रेन 20 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड टर्न राइट ट्रेन 10 किलोमीटर, तो इसका जो है लास्ट पे आंसर क्या बनता है ये आपको दिखाना है। देखिए मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको इससे, ये क्वेश्चन लंबे हैं तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास करने का, सिर्फ दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, इश्यू से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है आप देख सकते हैं इसका 40% कितना है, परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्रेशन से आ सकता है, लॉस कितना है, गेन कितना है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम जाएंगे सीधा और सीधा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे थोड़ा आगे जाएंगे हम, ये लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ये है इसका P into R into T by 100, ये जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार एग्जाम के अंदर देखा गया है। इसमें हम P देखते हैं प्रिंसिपल और R देखते हैं इसका रेट और T देखते हैं इसका टाइम, तो डिवाइड करना पड़ता है 100 के साथ, तो तब जाके ये आंसर जो है इसका निकल जाता है। तो उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो है ये आपका 10th बेस पे है, 10th बेस पे जो होता है लीनियर इक्वेशन होता है इसमें आप देखेंगे, और ये आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स विद रेडियस 60 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या लिखा है रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे आपको निकालना है वो, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे है, ये डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन है। अब हम आते हैं कंप्यूटर के ऊपर, यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो प्राइमरी फंक्शन कौन नहीं जानता है प्रोसेसिंग यूनिट का, कौन सा प्राइमरी होता है, ये होता है एक्सिक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा इन ए लॉन्ग टर्म नॉन वोलेटाइल मैनर, तो इसमें आता है हार्ड ड्राइव, ठीक है ना। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के ऊपर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का मेन फंक्शन आपको बताना है क्या है,
तो ये होता है इंटरकर्नल डेटा इनटू कंप्यूटर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है? तो ऑपरेटिंग का पर्पस होता है टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स एंड रन एप्लीकेशन। ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइनड टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, क्या करते हैं हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मॉडेम, मॉडेम का क्या काम होता है? मॉडेम का काम होता है टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट, ठीक है ना, टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, ये है एक मॉडेम का काम रहता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का क्या रहता है? रैम का हम होते हैं ये टेंपरेरी स्टोरेज होता है एंड प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन जो है इसका आंसर आएगा। 68 है, which of the following is not an example of an output device? तो 68 की हम बात करें, इसमें आप जानते हैं कीबोर्ड जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस होती है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं होती है। which of the following is not a high level programming language? तो यहाँ पे हम बात करें assembly की, ये high level नहीं है, बाकी जो है ये सभी के सभी जो है high level के अंदर आते हैं। Which data structures uses the last in first output? LIFO principle. LIFO principle की हम बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे जो options यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं, तो इसका जो इसमें से जो आंसर आएगा वो आएगा stack। क्या आएगा? Stack इसका आंसर आएगा। What is the purpose of an algorithm in computer science? So, आप जानते हैं to provide step by step solution to a problem के लिए हम algorithm का इस्तेमाल करते हैं, किसके अंदर होता है? Computer के अंदर होता है। Which programming paradigm is associated with the objects that encapsulated data and behavior? तो इसमें हम बात करें जो object oriented होता है, ये इसका answer आएगा। What is the purpose of a compiler in a programming? 74 का question, 74 जो पूछा गया है, compiler का काम क्या होता है? To convert source code into machine code, ये compiler का काम होता है। What does HTML stand for? HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम कहते हैं HTML को। Which of the following is not an input device? इसमें से बताना है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, तो प्रिंट जो होता है, प्रिंटर जो आएगा ये आउटपुट डिवाइस होती है। 77 है, what type of software is responsible for managing hardware components and providing a user interface? तो 77 की हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का आंसर आएगा। 78 है, what is the primary characteristic of open source software? तो open source software की हम बात करें, इसमें आंसर आएगा टू द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड। 79 है, which organization oversees the development of the open source web browser Firefox? तो 79 का हम आंसर बात करें तो ये आएगा Mozilla Foundation जो है इसका आंसर आएगा। 81 है, what does SQL stand for in the context of MSS? तो ये है एक यूनिक, ये क्या होता है? SQL की बात करें, structured query language। ये क्या होता है? structured query language होता है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए सिंगल स्लाइड इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्लाइड ही कहते हैं। व्हाट इज पीडीएफ स्टैंड फॉर? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हम कहते हैं पीडीएफ को, ठीक है। इस तरह से हम बात करें आगे, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल की हम बात करें, यूआरएल क्या स्टैंड करते हैं? हम स्टैंड की बात करें, यूआरएल की बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है ना। What does CC stand for in an email context? तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कार्बन कॉपी। क्या होता है ये? CC आपने देखा होगा ना, वो हम जब मेल करते हैं वहां पे ऑप्शन आता है तो कार्बन कॉपी होती है इसमें। What is a computer virus? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो डिजाइन किया जाता है टू डैमेज और इन्फेक्ट कंप्यूटर्स को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाउ डू कंप्यूटर वायरसेस टाइपिकली स्प्रेड? किस तरह से फैलते हैं? जैसे वाया ईमेल अटैच, डाउनलोड्स इन इन्फेक्टेड फाइल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरस? कौन सा जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव वायरस नहीं होता है? तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी, ये वायरस का काम नहीं होता है। बाकी जो ऑप्शन है आपके सामने, स्टीलिंग पर्सनल डेटा, स्लोइंग डेटा सिस्टम परफॉर्मेंस, डिलीटिंग और करप्टिंग फाइल्स, ये इनका काम होता है। 89 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सिमेंटिक? सिमेंटिक ने कौन सा किया था? ये नॉर्टन वायरस है। कौन सा? ये
नॉर्टन एंटीवायरस जो है उन्होंने किया था। विच फीचर इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलेशियस वेबसाइट इन ऑनलाइन थ्रेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 90 अगर हम बात करें, इसका जो आंसर आएगा एंटी फिशिंग, एंटी फिशिंग जो है इसका आंसर आएगा। अब हम जाते हैं थोड़ा और आगे और देखते हैं करंट अफेयर्स पे कौन सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन करंट पे है, किरण बलियान वन विच मेडल इन विच गेम एट द एशियन गेम्स 2023। एशियन गेम्स से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आएगा ब्रॉन्ज शॉट पुट। हु इज द मिलिट्री कमांडर ऑफ हमास मिलिट्री विंग ड्यूरिंग द इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, जो आप देख रहे हैं चल रहा है बहुत टाइम से, इसमें हम बात करेंगे हमास मिलिट्री विंग का कमांडर कौन था। तो इसका आंसर आएगा मोहम्मद देव। Airbot, which has developed unmanned guided vehicles UGV for the Indian Armed Force, is ये कौन सा है? तो 93 का आंसर है Joint Venture Startup based in Hyderabad. 94 क्वेश्चन क्या कहता है? 94 क्वेश्चन कहता है Which of the following passes is located in Jammu and Kashmir Union Territory? तो यहाँ पे आप पहला ही जब नाम पड़ेगा बानिहाल पे तो आप एक कर सकते हैं कि बानिहाल जो है इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्रीज विद अदर कंट्रीज, उत्तर प्रदेश नागालैंड असम झारखंड। आप एक बार पूरे इंडिया का नक्शा देखिएगा और उसमें जब आप देखोगे जो झारखंड आता है ये शेयर नहीं करता है, बाकी तीनों के तीनों जो है वो शेयर करते हैं। 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि बात करें कौन सा स्मॉलेस्ट आता है, तो उत्तर प्रदेश है इसमें से कम, ठीक है ना, बाकी राजस्थान बहुत है, मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, मिल्क प्रोड्यूसिंग सबसे ज्यादा कहां पे होता है? जी हाँ आप बताइएगा, सबसे ज्यादा मिल्क की बात करें कहां होता है, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा दूध आपको मिलेगा। 98 क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इन इंडिया, इंडिया की जब सेंसस हुई थी तब कौन सा कलेक्ट नहीं किया गया था, तो इसका हम बात करें आंसर की वो क्या है, सैलरी के बारे में वहां पे ऑप्शन नहीं था, बाकी जो है थे सब कुछ उन्होंने किया था। 99 है, लास्ट सेंसस कब हुई थी, ये सभी जानते हैं 2011 के बाद कोई सेंसस हुई नहीं है इंडिया के अंदर, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कौन नहीं जानता, क्वीन विक्टोरिया नहीं थी बट बाकी जो औरंगजेब था, महाराजा रंजीत, गुलाब सिंह, ये तीनों जो थे ये कश्मीर के थे, कश्मीर। इस तरह से है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिएगा वह विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है, नंगा पर्वत रेंज जो है ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है माना जाता है। ये अब स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चन आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो यहाँ पे 102 जो क्वेश्चन है यहाँ पे आएगा वुलर लेक, वुलर लेक जो है इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, मेज सबसे ज्यादा कहां होती है, सबसे ज्यादा मेज जो है वो कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे जो रियासी है ये लास्ट पे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, तो आज 10 जम्मू से है, 10 कश्मीर से है, टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट है आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सोइंग ऑफ वीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो कब वीट जो है वो अक्टूबर नवंबर में जो है वो डाला जाता है और मई इन लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है, ये भी विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन लिया गया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डोंट कम अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें इसमें क्या इसका आंसर आ सकता है। देखो गवर्नमेंट स्कूल जो है इसमें आते हैं, प्राइवेट स्कूल में आते हैं, मदरसा जो है अभी तक इनको यहाँ पे नहीं लिया गया है। 107 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिव 1/3 रिजर्वेशन किसके लिए, वुमेन पंचायत लेवल में, तो इसका आंसर आएगा 73rd अमेंडमेंट जो था इसके तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड इज कवर्ड अंडर द जीएसटी बिल, तो यहाँ पर हम बात करें इन तीनों को छोड़ के जो डायमंड आता है ये जीएसटी बिल के अंदर यह आता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नेम्ड कौशल यूनिवर्सिटी इज एसेसेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज, तो यहाँ अगर हम बात
आपने पढ़ा होगा जो, तो ये आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पंचायत सेक्रेटरी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है पंचायत सेक्रेटरी की, बाकी होती है और क्या नहीं होती है, क्वेश्चन नंबर 110 जो है पूछा गया है। देखो यहाँ पे लिखा गया है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन और वोट काउंटिंग, ये इनका काम नहीं होता है, ये अलग इलेक्शन कमीशन होता है। वॉट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ मीटिंग टू बी कंडक्टेड ग्राम पंचायत इन जम्मू कश्मीर, तो 111 की हम बात कर रहे हैं, एट लीस्ट वंस इन ए मंथ, ये इसका आंसर आएगा, एक महीने में एक बार कम से कम होना चाहिए। 2011 की सेंसस की बात करें, लिटरेसी रेट जो जम्मू एंड कश्मीर की थी वो कितनी थी, ये मोर देन 65 थी बट 70% से बहुत कम थी। जम्मू कश्मीर की बात करें, मैक्सिमम नंबर जो थे मेंबर्स के ग्राम पंचायत थे वो कितने होते हैं, वो है 11। हु अमंग द फॉलोइंग मेड बुद्ध मस्जिद, ठीक है ना, बुद्ध मस्जिद की बात जब होती है तो रिंचन जो जिसने बाद में ये कन्वर्ट किया था, ये मुस्लिम बन गया था, तो इसने बुद्ध मस्जिद जो है वो बनाई है। मैनेजर सेट टारगेट्स एंड डिसाइड डैश डैश, अब इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और आप देखेंगे मैनेजर सेट टारगेट्स एंड डिसाइड हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशंस कैन अचीव देम। व्हाट आर यू डैश इन द किचन कपबोर्ड, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द किचन कपबोर्ड, मेन proposes dash dash disposes, main proposes god disposes, तो इस तरह से question number one, it has she dash dash the best apples from the basket, उसने क्या किया था, उसने choose किया था choose किया था apple कहाँ से, basket से। we dash dash at the party, तो we enjoyed ourselves कहाँ, at the party। और last question जो पूछा गया था वो था choose the correct spelled word वर्ड, तो यहाँ पे है कमेटी के स्पेलिंग क्या सही है, COMMITTE कमेटी जो है ये सही है। तो ये थे आज 120 क्वेश्चन जो कि VLW एग्जाम के अंदर पूछे गए थे।